दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ दुनिया के बेहतरीन फैक्ट्स। दोस्तों, मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे आप किसी भी फैक्ट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीती है, जबकि नर मच्छर सिर्फ मीठे तरल पदार्थ ही पीते हैं। और जो मादा मच्छर होती है, वे अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। दोस्तों, इसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। यह गुजरात राज्य में मौजूद है। दोस्तों, इसके भीतर एक म्यूजियम भी है। इसे चीन की कंपनी ने बनाया है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों क्या आपको पता है, एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 50 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। यदि गैस सिलेंडर में कोई हादसा होता है, तो आपको 50 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। फैक्ट नंबर फोर, इस दुनिया के 95% लोग नया पेन खरीदने के बाद सबसे पहला शब्द अपना नाम लिखते हैं। यह हर भारतीय की आदत होती है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों जब एटीएम की शुरुआत हुई थी, तब उसका पिन 6 अंकों का था, लेकिन एटीएम आविष्कारक की वाइफ को केवल 4 अंक ही याद रहते थे, इसलिए दोस्तों इसे 4 अंक का कर दिया गया। फैक्ट नंबर सिक्स, दुनिया का सबसे पहला कैमरा वर्ष 1894 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों, इससे फोटो खिंचवाने के लिए उसके सामने 8 घंटे तक बैठना पड़ता था। दोस्तों, तब जाकर कहीं तस्वीर निकल पाती थी। फैक्ट नंबर सेवन, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन्हें समय पर नींद नहीं आती। दोस्तों, अक्सर ऐसे लोग ही अनिद्रा के शिकार होते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और घटता है। इसलिए दोस्तों, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और समय से सोना चाहिए। फैक्ट नंबर एट, भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का लगभग 11% सोना है। दोस्तों, यह सोना जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों के कुल सोने से भी ज्यादा है। दोस्तों, है ना ये सोचने वाली बात कि भारतीय महिलाएं कितनी धनवान हैं। फैक्ट नंबर नाइन, चाणक्य की नीति इतनी सटीक होती है कि दुनिया और भारत के नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर 10, सती प्रथा को खत्म करने वाले राजा राम मोहन राय सगी भाभी को उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा का हवाला देकर जिंदा जलाया गया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।